बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर जो है ये 1800-3456138 ये टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं वे इस नंबर पर फोन कर कभी भी सेवा ले सकते हैं। साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पंचायत स्तर पर मैपिंग भी की जा रही है। बिहार के बाहर से जो भी श्रमिक अभी यहाँ आ रहे हैं उनको सबसे पहले तो उनके लिए हमने टोल फ्री नंबर दिया है। इनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उस नंबर पर वो संपर्क करके अपनी बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 1800-3456138 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर कोई भी लेबर हेल्पलाइन के नाम से इसको हम चला रहे हैं और 30 तारीख तक इस पर हमने अधिकारी भी नियुक्त किया है, रोस्टर भी बना के सीनियर पदाधिकारी। झारखंड में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, खासकर राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए उनकी मदद करने के लिए लोग भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने भी कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए पहल शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने 3 नंबर भी बताए हैं जिस पर लोग फोन या फिर व्हाट्सएप कर उनसे मदद ले सकते हैं। वासियों के लिए संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी रक्षा के लिए प्रयास भी करेंगे। हमको धैर्य रखना है, संयम भी रखना है। और रांची के अंदर जो संक्रमित परिवार है उनके लिए एक छोटी सी पहल शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। इस रविवार से जो संक्रमित परिवार जिनमें बूढ़े बुजुर्ग कामकाजी महिलाएं ऐसे लोग जिनका कोई मददगार नहीं वैसे लोगों को निशुल्क भोजन दूध फल आदि पहुंचाने का हम प्रयास। बगहा के रामनगर में आग लगने से सौसा गांव के 8 घर जलकर खाक हो गए, वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। इस अगलगी में 2 मवेशी की भी झुलसकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम ने आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया, वहीं आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। इस मौके पर अधिकारियों ने पीड़ितों से मिलकर मुआवजा राशि की भी मांग की है और इसे देने का आश्वासन भी दिया है। वहीं गुमला पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बाइक सवार 4 अपराधियों को धर दबोचा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते 24 फरवरी को इन 4 अपराधियों ने मेन रोड स्थित एक दुकानदार से रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद वे मौके से फरार चल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर 4 को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस 4 से पूछताछ कर रही है। दो 21 को गुमला मेन रोड स्थित प्रिया हार्डवेयर्स एंड पेंट्स में बाइक में आया हुआ कुछ अपराधी लोग फायर किया था और उनसे रंगदारी मांगा था। इस केस का खुलासा के लिए थाना प्रभारी गुमला के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में पहले इस केस में इन्वॉल्व 4 आदमी को अरेस्ट किया था, जिसमें चंदन वर्मा था, विवेक कुमार, निशांत राही और सूरज पासवान को अरेस्ट किया था। अब ये लोग अपने स्वीकारोक्ति बयान में